नमस्कार, आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। मेरा नाम नीरज है। साल 1894 बंबई के दो युवा वकील, एक ने साउथ अफ्रीका में खलबली मचाई, दूसरे ने ईस्ट अफ्रीका के जांजीबार में। दोनों की सोच और सिद्धांत एक, वकालत के पेशे में झूठ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। साउथ अफ्रीका की सड़कों पर खलबली मचाई बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी ने, और ईस्ट अफ्रीका के जांजीबार में हलचल थी आर्देशिर गोदरेज की। मोहनदास करमचंद गांधी का किस्सा आपने कई बार पढ़ा, सुना और देखा होगा। आज बात आर्देशिर गोदरेज की, जिनके बनाए गोदरेज समूह में इन दिनों खटपट की खबरें हैं। कैसे शुरू हुआ गोदरेज का सफर, वचन के पक्के सच के सिपाही आर्देशिर गोदरेज वकालत से जल्द ही दूर हो गए अपनी सच बोलने की आदत की वजह से। आर्देशिर 1894 में ही बंबई लौट आए, यहां एक फार्मा कंपनी में केमिस्ट के असिस्टेंट की नौकरी की। मगर आर्देशिर भी पारसी समाज के दूसरे लोगों की तरह कारोबार में हाथ आजमाना चाहते थे। केमिस्ट की नौकरी करते करते एक बिजनेस आइडिया मिला, सर्जरी के ब्लेड और कैंची बनाने का। उस वक्त तक ये प्रोडक्ट्स ब्रिटिश कंपनियां बनाती थी। आर्देशिर इस मौके को लपकने के लिए आगे बढ़े और पहुंच गए पारसी समाज के संभ्रांत शख्स मेहरवान जी मुचेर जी कामा के पास। आर्देशिर ने उनसे 3000 रुपये का कर्ज लिया और ऑपरेशन के औजार बनाने लगे, मगर जल्द ही वो इस काम में फेल हो गए अपनी जिद और कुछ आग्रहों के चलते। किस जिद की वजह से फेल हुए? आर्देशिर ने सर्जरी के लिए औजार बनाने शुरू किए एक ब्रिटिश कंपनी की खातिर। मतलब ये कि प्रोडक्ट्स आर्देशिर गोदरेज को बनाने थे और उनको बेचने का जिम्मा ब्रिटिश कंपनी के पास था। मगर ये समझौता जल्द एक बात पर टूट गया, बात थी देश का नाम। आर्देशिर का कहना था कि अपने प्रोडक्ट्स पर मेड इन इंडिया लिखेंगे। ब्रिटिश साझीदार इसके लिए तैयार नहीं था। उसका मानना था कि मेड इन इंडिया लिख देने से प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े रहे और नतीजा यह हुआ कि आर्देशिर गोदरेज को अपना पहला धंधा बंद करना पड़ा। तो फिर कैसे पलटी आर्देशिर गोदरेज की किस्मत? पहला कारोबार फेल हो जाने के बाद आर्देशिर निराश थे, मगर तभी एक दिन उनकी नजर अखबार में छपी एक खबर पर पड़ी। अखबार में बंबई में चोरी की घटनाओं पर खबर छपी थी और साथ में बंबई के पुलिस कमिश्नर का एक बयान भी था कि सभी लोग अपने घर और दफ्तर की सुरक्षा और बेहतर करें। आर्देशिर के दिमाग में फिर से बिजनेस का कीड़ा कुल बुलाया, उन्हें ताले बनाने का आइडिया सूझा। आर्देशिर ने सुरक्षा के लिहाज से बेहतरीन ताले बनाने की ठानी, ऐसे ताले जिन्हें तोड़ना मुश्किल हो। ताले बनाने की प्लानिंग के साथ वो एक बार फिर उन्हीं मेहरवान जी के पास पहुंचे जिनसे पहले कारोबार के लिए 3000 रुपये उधार लिए थे। आर्देशिर पहले तो पुराना कर्ज ना चुका पाने के लिए मेहरवान जी से माफी मांगने लगे और फिर ताले बनाने की नई योजना उनके सामने रखी। मेहरवान जी कामा खुद भी कारोबारी थे, उन्होंने मुंबई की चोरी की घटनाओं के बारे में अखबारों में पढ़ रखा था। थोड़ी देर की बातचीत के बाद मेहरवान जी कामा एक बार फिर से आर्देशिर को पूंजी देने के लिए तैयार हो गए। नीलेश परतानी ने अपनी किताब सक्सेस हाईवे में इस वाकये का जिक्र कुछ यूं किया है कि बातचीत के बाद जब आर्देशिर लौटने लगे तो मेहरवान जी कामा ने उनसे पूछा, डिकरा, डिकरा माने बेटा, डिकरा, अपनी जाति में ताले बनाने वाला कोई और है या तुम ही पहले हो? इस पर आर्देशिर ने कहा, मैं पहला हूं या नहीं ये तो पता नहीं, पर आप जैसे महान शख्स की मदद से मैं सबसे अच्छा बनकर जरूर दिखाऊंगा। ये कारोबार चल निकला इस एक वजह से। आर्देशिर को मेहरवान जी ने एक बार फिर कर्ज दे दिया। तारीख 7 मई 1897, आर्देशिर को कर्ज मिला और ताले बनाने का काम शुरू हो गया। गुजरात और मालाबार से 12 ट्रेंक कारीगर मंगाए गए। एंकर ब्रांड से
ताले बाजार में आए और इन तालों के साथ था एक गारंटी लेटर। ये गारंटी लेटर गोदरेज के लिए सेलिंग पॉइंट बन गया। उस वक्त तक भारत में तालों पर ऐसी कोई गारंटी नहीं देता था। गोदरेज ने लिखा, हर ताले और चाबी का सेट अनूठा है, कोई दूसरी चाबी इस ताले को नहीं खोल सकती। गोदरेज के इस भरोसे को भारत ने हाथों हाथ लिया। गोदरेज के ताले भरोसे का संबल बन गए। गोदरेज के ताले अटूट माने जाने लगे और अटूट हो गया आर्देशिर गोदरेज का भारत और भारत के लोगों से रिश्ता। आर्देशिर का कारोबार चल निकला। अब उन्हें नए नए बिजनेस आइडिया सूझने लगे। ताले के बाद कौन सा कारोबार? देखते देखते गोदरेज के ताले का कारोबार आसमान छूने लगा। अब आर्देशिर के दिमाग में ताले के साथ अलमारी बनाने का ख्याल आया। मुंबई उस वक्त भी अमीरों का शहर था। आज की तरह बैंक लॉकर जैसी सहूलियतें नहीं थी। देश में नकदी और जेवरात घर में रखने का चलन था। आर्देशिर ने ऐसी अलमारी बनाने का प्लान बनाया जिसे चोर आसानी से न तोड़ सके और इससे भी बढ़कर अलमारी पर आग का भी कोई असर ना पड़े। आर्देशिर ने इसके लिए कागज पर ढेरों डिजाइन बनाए। इंजीनियर्स और अपने कारीगरों के साथ महीनों माथापच्ची की। आखिर में नतीजा सामने आया। तय हुआ कि लोहे की चादर को बिना काटे अलमारी बनेगी। साल 1902 में अलमारी बाजार में आ गई। आर्देशिर की मेहनत एक बार फिर रंग लाई। देखते देखते अलमारी बेहद लोकप्रिय हो गई और धड़ाधड़ बिकने लगी और ऐसी बिकी कि आज भी भारत में अलमारी और गोदरेज एक दूसरे के पर्याय हैं। ताला हुआ, अलमारी हुई। उसके बाद क्या किया गोदरेज ने? तालों और अलमारी ने गोदरेज को ब्रांड बना दिया और इसी के साथ आर्देशिर भी ब्रांड बन गए। युवा कारोबारी आर्देशिर इतने भर से खुश नहीं थे। वो कुछ और करना चाह रहे थे, कुछ ऐसा जो उन्हें देश की जनता के और करीब ले जाए। आर्देशिर तब तक बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में आ चुके थे। साल 1906 में उन्होंने तिलक के कहने पर स्वदेशी का सिद्धांत अपनाने की कसम खाई। अब तक आर्देशिर के कारोबार में उनके छोटे भाई फिरोज शाह भी जुड़ चुके थे। दोनों भाइयों का ताले और अलमारी का कारोबार फल फूल रहा था। भारत में ब्रिटिश राज के दिन थे। अंग्रेज हिंदुस्तानियों पर तरह तरह के टैक्स थोप रहे थे। आर्देशिर इन सब से बेहद विचलित थे। इन सब के बीच 1910 में उनके जीवन में एक और अहम मोड़ आया। जिन मेरवान जी से कर्ज लेकर आर्देशिर ने कारोबार शुरू किया, उनके एक भतीजे थे, नाम था बॉयस। मेरवान जी कामा के कहने पर आर्देशिर ने बॉयस को अपना पार्टनर बना लिया और फिर कंपनी बनी गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग। हालांकि कुछ दिन बाद बॉयस ने कंपनी छोड़ दी, मगर आर्देशिर ने कंपनी का नाम फिर कभी नहीं बदला। कंपनी का नाम गोदरेज एंड बॉयस आज भी कायम है। इसी कंपनी के पास मुंबई में 3400 एकड़ से ज्यादा जमीन का मालिकाना हक है। अब ये जमीन ही गोदरेज परिवार में कलह की वजह है। इसके बाद कंपनी साबुन के कारोबार में आई। कैसे? आर्देशिर अब देश के लोगों के साथ सीधे जुड़ना चाह रहे थे। इसके लिए उन्हें साबुन से बेहतर प्रोडक्ट नहीं मिल सकता था। भारत में उन दिनों जितने भी नहाने के साबुन बनते थे, उनमें जानवरों की चर्बी इस्तेमाल की जाती थी। इससे हिंदू आहत होते थे। आर्देशिर ने इसमें कारोबारी मौका देखा। अब आर्देशिर एक ऐसा साबुन बनाने में जुट गए जिसमें जानवरों की चर्बी ना मिली हो। रिसर्च के बाद तय हुआ कि चर्बी की जगह वनस्पति तेल इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक आखिर गोदरेज ने साल 1918 में बिना चर्बी वाला साबुन लॉन्च कर दिया। नाम दिया छवि। साल भर बाद कंपनी ने गोदरेज नंबर 2 साबुन पेश किया। नंबर 2 नाम देने के पीछे आर्देशिर का तर्क था कि जब लोग नंबर 2 को अच्छा पाएंगे तो नंबर 1 को उससे भी बेहतर मानेंगे। नंबर 1 साबुन 1922 में बाजार में आया। आर्देशिर की सोच एकदम सटीक थी। नंबर 1 साबुन इतना सफल हुआ कि यह आज भी बाजार में आ रहा है। गोदरेज का साबुन का कारोबार बेहद तेजी से फैला। इतनी तेजी से कि आर्देशिर ने ताले और अलमारी का बिजनेस भाई फिरोज शाह को सौंप दिया और खुद पूरी तरह साबुन के कारोबार में रम गए। यह आर्देशिर की ही सोच थी कि उन्होंने
भारत रत्न रविंद्रनाथ टैगोर को गोदरेज साबुन का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। आर्देशिर स्वदेशी के लिए समर्पित कारोबारी थे, उनकी इस बात के गांधी जी भी मुरीद थे। नीलेश परतानी की किताब में एक किस्सा है, एक बार महात्मा गांधी ने उनके एक बिजनेस कॉम्पिटिटर को चिट्ठी लिखी तो लिखा कि मैं अपने भाई गोदरेज का इतना सम्मान करता हूं कि अगर आपका उद्यम इन्हें किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाएगा तो मुझे खेद है कि मैं आपको अपना आशीर्वाद नहीं दे सकूंगा। आर्देशिर ने सब कुछ भाई को सौंप दिया। आर्देशिर बेहद सज्जन कारोबारी माने जाते थे, वो गांधी जी के करीबी थे। साल 1928 में एक दिन अचानक उन्होंने अपने सारे कारोबार भाई फिरोज शाह को सौंप दिए। भाई को कारोबार सौंपकर आर्देशिर नासिक चले गए। साल 1936 में उन्होंने देह त्याग दी। आर्देशिर की पत्नी का देहांत पहले ही हो चुका था, उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान थी भाई फिरोज शाह को और चार फिरोज शाह के चार बेटे थे। अब उनके उत्तराधिकारियों के बीच ही मतभेद की खबरें चल रही हैं। अब ये समझते हैं कि फिरोज शाह के उत्तराधिकारियों के बीच कैसी कलह है। जैसा कि पहले बताया, फिरोज शाह के चार बेटे हुए, एक सोहराब, दो दोसा, तीन गुर्जोर और चार नवल। सोहराब के कोई औलाद नहीं थी। दूसरे नंबर के बेटे दोसा का एक बेटा था रिशद, पर रिशद की भी कोई संतान नहीं। आज गोदरेज परिवार में बुर्जोर और नवल की ही संतानें हैं। बुर्जोर के दो बेटे हुए, आदि और नादिर। नवल की दो संतानें हैं, जमशेद और स्मिता। आदि गोदरेज इस वक्त गोदरेज समूह के अध्यक्ष हैं। आदि और नादिर गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और गोदरेज एग्रोवेट का कामकाज देखते हैं। जमशेद उस पेरेंट कंपनी गोदरेज एंड बॉयस कंपनी के चेयरमैन हैं, जिसकी शुरुआत आर्देशिर गोदरेज और फिरोज शाह ने की थी। तो विवाद किस किस के बीच है? आदि, नादिर और जमशेद के बीच। आदि और नादिर जमशेद के चचेरे भाई। विवाद क्यों है? इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक विवाद की दो वजहें हैं। एक, भविष्य में कारोबार की रणनीति क्या हो, इसको लेकर परिवार में मतभेद हैं। दूसरा, गोदरेज परिवार की मुख्य कंपनी गोदरेज एंड बॉयस के पास मुंबई के विखरोली में 3400 एकड़ से ज्यादा जमीन है। गोदरेज प्रॉपर्टीज यहां बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। आदि और उनके भाई नादिर गोदरेज यहां ज्यादा से ज्यादा जमीन डेवलप करना चाहते हैं, मगर उनके चचेरे भाई जमशेद ज्यादा जमीन बेचने के पक्ष में नहीं है। इसी बात को लेकर दोनों परिवारों में मतभेद की खबरें मीडिया में तैर रही है और बात बंटवारे तक पहुंच रही है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक परिवार ने फैमिली बिजनेस में बदलाव के लिए सिरिल श्रॉप, जिया मोदी और जीएम फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन निमेश कंपनी से मदद मांगी है। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी उदय कोटक से भी मदद करने को कहा गया है। तो ये थी देश के 50 करोड़ घरों तक अपनी पहुंच बनाने वाली गोदरेज समूह की कहानी। बंटवारे के केस पे जो भी अपडेट आएगा हम आपको साझा जरूर करेंगे। मेरा नाम नीरज है। इस वीडियो को बड़ी मेहनत के साथ में हमारे साथी अनिरुद्ध ने लिखा है। इस वीडियो को शूट करने के दौरान कैमरे के पीछे मेरे साथ में मेरे साथी रूहानी थे। शुक्रिया।